हाँ जी, मैं हरजिंदर सिंह फ्रॉम एरल इमिग्रेशन बठिंडा चौं। आज का हमारा हिंदी में बनाते हैं हम वीडियो, एक्चुअली पंजाबी बहुत कम लोगों को समझ आती है। आज का हमारा टॉपिक है, वो है पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट। आप पुर्तगाल में जाना चाहते हैं रीयूनियन वीजे के लिए, आपकी फैमिली वहां पर है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। सो सबसे बड़ा तो ये है, दिल्ली की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, चंडीगढ़ की नहीं मिलेगी, ओनली ऑन आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी वो मिलेगी अहमदाबाद की। मैं जहां पर वीडियो में कुछ आपको हाइड नहीं करूंगा कि मैं आपको अपॉइंटमेंट डलवा दूंगा और ऐसे कर दूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा। देखिए, जो डायरेक्ट है, जो सीधी बात है, मैं वो ही कहना चाहता हूं। अगर आप खुद से केस अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप खुद से ही आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप दिल्ली की अपॉइंटमेंट या किसी आप नीरेस्ट की अपॉइंटमेंट मत देखिए, क्योंकि इन सिटीज की अपॉइंटमेंट मिलने की बहुत ही कम संभावना होती है, जबकि सीटें बहुत कम होती है। अगर कोई मिलती है तो वो ऑलरेडी एजेंट या कुछ भी पहले कैंडिडेट्स स्लॉट बुक कर लेते हैं। सो अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप बठिंडा लुधियाना कहीं से पंजाब से हैं और आप अपनी फाइल रीयूनियन की फैमिली वीजे की फाइल लगवाना चाहते हैं पुर्तगाल की, जो पुर्तगाल के जो पेपर होते हैं वो होते हैं थ्री मंथ वैलिड होते हैं, बट इटली के पेपर होते हैं वो होते हैं नियर अबाउट 6 मंथ वैलिड। वो 6 मंथ वैलिड होते हैं जिसमें नूला उस्ताद आता है, और हम पुर्तगाल की बात कर रहे हैं। पुर्तगाल की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको अहमदाबाद की लेनी चाहिए। और एक बात और, अपॉइंटमेंट लेने के समय आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं। जब आप लेंगे आपको स्लॉट मिल जाएगा, बट बुक नहीं हो सकेगी। वो क्यों नहीं हो सकेगी? क्योंकि उसमें जब आप अपना डाटा डालेंगे, उसमें वो कहेगा कि आपका डाटा हमारे पास आ चुका है, आप आफ्टर 5 आवर कॉन्टेक्ट करें। तो आप 5 घंटे के दोबारा करेंगे, दोबारा फिर उसमें फेल्ड आ जाएगा। आप किसी भी मोबाइल से आप कॉन्टेक्ट मत करिए, आप चेक ना करिए किसी भी अपॉइंटमेंट को, और किसी भी ऐसे पर मत पर करिए जहां पर आपकी जो नेट की फैसिलिटी है वहां पर, जैसे कि अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, आप लैपटॉप पर चला रहे हैं, वहां पर इंटरनेट की स्पीड पूरी फास्ट होनी चाहिए, बिकॉज आपकी अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक हो जाएगा, आपकी सभी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको सबमिट हो जाएगी। बट जब आती है बात बिल्कुल फाइनलाइजेशन में, एंड में, जब आप अपनी पेमेंट डिटेल डालते हैं उसमें, आप अपना देखिए, एक सबसे मेन बड़ी बात है, जब आप उसमें पेमेंट डिटेल डालेंगे उसमें कार्ड मांगता है, उसमें जिसमें भी जिस कार्ड की ऑप्शन आती है, अगर वो रूपी मांग रहा है, अगर वो वीजा कार्ड मांग रहा है, बट याद रहे भी वो कार्ड ओनली आपका क्रेडिट कार्ड ही होना चाहिए, डेबिट कार्ड से ये पेमेंट नहीं होगी। और उसमें आपका जो इंटरनेट चलता है, जो मोबाइल पर नेट बैंकिंग चलती है, उस पर भी ये ऑन होना चाहिए कि आपकी जो ऑनलाइन सर्विस है वो ऑन है। इसकी वजह से भी वो फेल्ड हो सकता है। और सबसे एक बात और है, जैसे कि आपका अकाउंट है, आप उस पर आता है अकाउंट होल्डर, आप उसमें डिटेल आप क्लाइंट की पा रहे हैं, अकाउंट आप अपना पा रहे हैं, उसमें भी मिस मैच हो जाता है, उसमें भी आपकी जो पेमेंट है वो रिडक्ट नहीं होगी, और उसमें के द्वारा आपको 5 आवर वेट करनी पड़ेगी। अगर आपको पुर्तगाल की फाइल रेडी करवानी है, अगर आपको प्रोसेस जो पूछना है कि क्या चाहिए, चेकलिस्ट के बारे पूछना है, आप किसी भी टाइम हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा किसी भी तरह आपको इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और किसी भी तरह की और इंक्वायरी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।